अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाजिश। आज हमारे किचन में बनेंगी यम्मी यम्मी कुकीज़। यस, कुकीज़ सबको बहुत पसंद आती है, बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आती है। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करेंगे जल्दी से। देखिए कितनी क्रिस्पी कुकीज़ बनी है और बहुत ही हेल्दी है। अगर ये बच्चे आप दो अगर खा लें तो दो रोटी का एक रोटी का कमाल करेगा, जो रोटी की जो गुड़ है, क्योंकि ये बनाया है हमने चक्की के आटे की जिसमें भूसी की तादाद ज़्यादा है। तो एक बॉल ले लीजिए बटर को, इसको मेल्ट करना है जल्दी से, हम इसे मेल्ट करेंगे और ये बनेगी विदाउट ओवन। तो विदाउट ओवन के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, और आप ये बेफिक्र रहिएगा इस बात के लिए कि ये घर में तैयार नहीं हो सकती है। आपके पास ओवन है नहीं है, नो इशू। चलिए, बटर हमारा मेल्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हमने इसमें डालना है पाउडर शुगर। अगर पाउडर शुगर आपके पास नहीं है तो आप शुगर को ग्राइंड करके पीस कर पाउडर बना लीजिए और वो डालिएगा। इसे अच्छे से विस्क करना है, मिलाना है, मिक्स करना है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तो आप वो ले सकते हैं, उससे मेहनत थोड़ी बच जाती है, वरना कर रहे हाथ से आप इसको मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया है कोकोनट डस्ट, 1/3 कप कोकोनट डस्ट है, और यहाँ चक्की का आटा है 1 कप, जिसमें भूसी की तादाद ज़्यादा है और आटा थोड़ा सा कम है। ये इसको मिक्स करेंगे और करने के बाद इसमें हमने डालना है दूध। दूध की क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कम पड़ेगी, सिर्फ 2 चम्मच दूध पड़ेगा इसमें। तो इस तरीके से डाल लीजिएगा और गूंदिए। अगर आपको कम लग रहा है तो डालिएगा, अदरवाइज़ नहीं। बस हमें इसके बाइंडिंग करनी है, बस हमें सिर्फ 2 चम्मच का दूध ही चाहिए। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से गूंदेंगे। गूंदने से होगा हमारा जो डो होगा वो प्लेन और एकदम टेक्सचर इसका बहुत ही उमदा आएगा। इसे 30 मिनट के लिए हम साइड करके रखेंगे। एक फ्लैट प्लेट ले लीजिए या आपके पास इस तरीके का कोई बर्तन हो वो ले लीजिए, उसको ग्रीस करेगा, क्योंकि ये हम ग्रीस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब कुकीज़ रखते हैं तो वो नीचे से ब्लैक नहीं होती है। उसे अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब हम इसको ये छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। पेड़े को किनारे से हल्का सा दबाने के बाद इस तरीके से हम बनाएंगे। फटाफट से तैयार कर लेती हूँ मैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। कुकीज़ हमारी तैयार हो गई है। अब एक फोक की हेल्प से हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। ये डिज़ाइन बहुत ही, जब तैयार होती है कुकीज़ तो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो अब चलते हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए, उस पर मैंने नमक डाला है, ये मेरा यूज़ करा हुआ नमक है। तो इस तरीके से हमने ज़्यादा सा नमक डाल देना है बेस पे, और फैलाते हुए अब हमें थोड़ा एक स्टैंड लेना है। स्टैंड को हम इसके ऊपर रखेंगे, इस तरीके से स्टैंड ले लीजिए, उस पर हम अपनी फ्लैट प्लेट रखेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन लो फ्लेम पे रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद ये अंदर से पक चुकी हैं, बहुत ही नज़र आ रही हैं लाजवाब सी। तो मेरी कुकीज़ तैयार हो गई हैं, आप भी घर पे अपने तैयार करके मुझे अपनी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अपने कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आपने बनाई, तो कैसी लगी। तो कुकीज़ तैयार हैं, ऊपर से मैं आपको बताऊंगी। इसके ऊपर मैंने डाली है शुगर की डस्ट। शुगर की डस्ट से ये बहुत ही मुँह में डालते ही घुल जाता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे साथ बने रहिए। अपने लवली कमेंट्स आप हमें शेयर ज़रूर करें, आपकी कमेंट्स जब आते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। और खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।